नमस्कार, मैं गौरी और आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सभी सी न्यूज भारत। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र हंगामे के साथ जारी है और हर दिन संसद में कुछ नया देखने और सुनने को मिल रहा है। पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। वहीं इस बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो सदन में उनका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। सबकी निगाहें सदन में चल रही कार्यवाही पर टिकी हैं, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर। राहुल गांधी लगातार भाजपा पर हमलावर हैं, लेकिन इसी बीच जोश जोश में उन्होंने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद 20 सदन में पीएम मोदी को खड़े होकर इसका विरोध करना पड़ा। तो आइए जानते हैं राहुल गांधी ने ऐसा क्या बयान दिया है जिससे पूरे देश में सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। बीते दिन सोमवार को सदन में जमकर हंगामा हुआ। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हिंदू, मणिपुर, नीट, किसान, अग्निवीर के साथ कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा वाले असली हिंदू ही नहीं हैं। हंगामे के बीच राहुल ने सोमवार को 90 मिनट का जो भाषण दिया उसमें हिंदू को लेकर ऐसा विवाद हुआ जहां पीएम मोदी, गृह मंत्री समेत 5 मंत्रियों को उठकर राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति जतानी पड़ी। पहले आप भी सुनिए हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कुछ कह दिया। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने लोकसभा में पहले हाथ में संविधान उठाकर और फिर भगवान शिव की तस्वीर उठाकर ऐसा तीर मारा कि वो सीधे भाजपा के दिल में लगा है। राहुल गांधी ने ऐसा बोला कि पीएम को 2 बार उठकर टोकना पड़ा, अमित शाह को 4 बार आपत्ति जतानी पड़ी। उन्होंने कहा कि सदन में ये कैसे चल सकता है, आप एक तरफा रियायत दे रहे हैं, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता है। सुनिए, कैसे सदन में चल सकता है माननीय, आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो माननीय, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। वही राहुल गांधी ने कहा कि त्रिशूल हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा का प्रतीक है। इस्लाम में भी लिखा है कि डरना नहीं है। गुरु नानक जी भी कहते हैं डरो मत डराओ मत। जीसस में भी अभय मुद्रा। बुद्ध भगवान ने भी कहा डरो मत डराओ मत। सुनिए, हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत डराओ मत, डरो मत डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside the Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। वहीं राहुल गांधी के इन बयानों के बाद से भाजपा, कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलिंदा है। अब सवाल है कि आखिर राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर भाजपा आक्रामक क्यों हो गई? जहां संसद में राहुल गांधी से माफी की मांग की गई, फिर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदू से जुड़े बयान पर राहुल को घेरा, फिर भाजपा के कई मुख्यमंत्री राहुल के बयान को हिंदुओं का अपमान बताने लगे।
सवाल है कि क्या जो हिंदू वोट ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत रहा है, उसमें चोट इस चुनाव में पहुंचने के बाद अब अलग अलग मुद्दों के जरिए भाजपा की नब्ज राहुल दबा रहे हैं। हिंदू वोट की एकजुटता से जीत हासिल करती आई भाजपा पर अगला निशाना राहुल गांधी ने साधा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।